टैंकर माफिया के मुद्दे पर दिल्ली के एलजी ने निर्देश दिए। एलजी वीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए, मनक नहर पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। टैंकर माफियाओं को पानी चोरी करने से रोका जाए, ये एलजी वीके सक्सेना की तरफ से कहा गया है। उन्होंने बाकायदा निर्देशित कर दिए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि कल जब इस पूरे मामले में सर्वोच्च अदालत पर सुनवाई हुई तो सर्वोच्च अदालत ने बहुत सख्त टिप्पणी की और ये कहा कि टैंकर माफिया दिल्ली में सक्रिय हैं, उन पर एक्शन कब लिया जाएगा। दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई गई और ये कहा गया कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हम जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को देंगे। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर दिल्ली पुलिस इसमें इंटरफेयर करती है तो हमें खुशी होगी। और अब इस पूरे मामले में टैंकर माफिया के मसले पर एलजी की तरफ से निर्देश दिए गए, जिसमें कहा गया है कि वो बाकायदा सघन चेकिंग करे और जो अलग अलग नहर है वहां पर कड़ी निगरानी रखे, क्योंकि दिल्ली में पानी की इस वक्त भारी किल्लत है। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से, जहां पर लोगों में एक होड़ सी मची हुई है पानी लूटने की। कई जगहों पर टैंकर नहीं पहुंच रहा, कई जगहों पर अगर पानी पहुंच रहा है तो वो भी जितनी डिमांड है उसको पूरा नहीं कर रहा है, लोग परेशान हैं। इसी बीच सरकार की तरफ से कहा गया कि जो लोग पानी को वेस्ट कर रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा, जुर्माने का प्रावधान किया गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि दिल्ली में गिरोह है जो कि सक्रिय है, और ऐसा पहली मर्तबा नहीं है जब टैंकर को माफिया को लेकर के आपने ऐसी खबर सुनी हो। इससे पहले भी दिल्ली में, क्योंकि पानी की कमी है दिल्ली में, जो जल स्रोत है वो दिल्ली में अपना नहीं है, वो दूसरे राज्यों पर निर्भर करता है, और इसी आपदा को अवसर में बदलते वो टैंकर माफिया हैं जो कि कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि कैसे आम लोगों की जेब पर डाका डाला जा सके। ये पानी की चोरी करते हैं, अवैध जगहों से वो पानी भरते हैं टैंकर्स में, उसके लिए मोटी राशि लोगों से लेते हैं। अब उन्हीं टैंकर माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी, और इसके लिए एलजी ने बाकायदा दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं पुलिस को। और देखिए प्रिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पूरे मामले में ये पूछा गया कि आप बताइए कि आखिर अगर टैंकर से पानी पहुंच सकता है तो फिर नल के जरिए पानी क्यों नहीं पहुंच सकता आम जनता तक। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि दिल्ली सरकार ये बताए कि जो बर्बादी पानी की हो रही है उसे रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप ये कह तो रहे हैं कि दिल्ली वासी पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन असल में 52% पानी बर्बाद हो रहा है दिल्ली में, तो क्या आपने उसको लेकर कोई कड़ा कदम उठाया या फिर नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि अगर आप देखिए प्राइवेट टैंकर्स ये हैं, सरकारी टैंकर्स कम हो गए, पहले सुबह शाम 2 टाइम टैंकर्स पहुंचते थे लोगों तक यमुना पार, लेकिन अब एक ही बार टैंकर पहुंच रहा है, और जो प्राइवेट टैंकर्स है वो अपने हिसाब से पैसा लोगों से वसूल रहे हैं पानी पहुंचाने के लिए।